उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोग थाना प्रभारी के निलंबित की मांग करने लगे। बीजेपी नेता का आरोप है कि थाने के इंस्पेक्टर ने बीजेपी नेता को थप्पड़ मारा। बाइक चेकिंग की जा रही थी, रूटीन चेकिंग चल रही थी, इसमें किसी एक युवक द्वारा जिसका चालान किया था उसने आरोप है कि पुलिस उसके साथ बदतमीजी की है। हम इसी के संबंध में लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग इसकी जांच करेंगे और क्या घटना थी और उसकी उस समय क्या इसकी चालान किया गया नहीं किया गया, उसमें क्या क्या थी, जो भी इसमें इनका मांग है हम उसकी मांगों पर हम लोग उस पर जांच करेंगे, जो तथ्य सामने आएगा फिर उसके हिसाब से करेंगे। अच्छा, आरोप क्या है उनका, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? ये थाना पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं चेकिंग के दौरान उनके द्वारा जो युवक के साथ बदतमीजी की, हम लोग इसकी जांच करेंगे। अच्छा सर, कितनी देर से थाने का घेराव है और कितनी देर में हट जाएगा घेराव? कुछ लोग आए हुए हैं इसी के संबंध में, हम लोगों से बात कर रहे हैं, जल्द से जल्द उनको दोनों पर उनको जो उनकी मांगे हैं उनकी मांग एप्लीकेशन लेके हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप की सत्यता के बारे में पता लगाएंगे, फिर जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। सर कितना समय हो गया इस थाने पर? अभी 15 से 20 मिनट मैं आया हूँ, अभी 10 मिनट हुआ मुझे आए हुए।